नमस्कार मणि भोज को स्वागत मिस्पी प्रथम देखने हेडलाइंस बढ़ला कोरोना चिंता ओडिशा रे 3 यूके स्ट्रेन पूर्व भली कटकणा कड़ाकड़ी आज भुवनेश्वर समस्त शिक्षा अनुष्ठान हॉस्टल जांच एवं टेस्टिंग नवरंगपुर राति 8 रु सकाळ 6 जाय नाइट कर्फ्यू बिगुड़ी कोरोना स्थिति विश्व में 12,53,27,801 को संक्रमण संख्या वृद्धि 27,55,275 जन गलानी प्राण भारत में महाराष्ट्र कर्नाटक पंजाब में संघ स्थित अड़ुआ चांदवाली विधायक व्योमकेश गृह में मानिले कब्जारे थाना कहिले व्यवहार सिखातु ना मु पीएचडी पढ़ुची एसआई को अश्लील भाषा गाली कर बदल देखा धमक जंगल निआकु नै बड़ सत 10 वर्ष रे खर्च हला 184 कोटी तथापि जळुछि जंगल कांपा फंड रो खर्च को नै उठिला प्रश्न विरोधी को अभिजोग दुर्नीति लुचाइबा को न्याय को आयोध करछन्ते सरकार कहार हेबो पिपिरे तीनि दल रो कसरत बिजेडी रु किए हेबो प्रार्थी छिंडुनी अंक मिसेस महारथी ना जूनियर महारथी को नै द्वंद एपटे दिने दुई दिन मध्य प्रार्थी घोषणा करिवो बीजेपी कांग्रेस रे तीन चेहरा को नै चर्चा लाल ग्रह मंगल में उड़ब हेलिकप्टर आसंता एप्रिल 8 रे हेलिकप्टर उड़ाई नासर लक्ष्य इतिहास रचिब मिनी हेलिकप्टर इंजेनिटी एवं तातिर नहीं मुक्ति आसंता सप्ताह जल्द ओडिशा बढ़ खरार प्रकोप अंशुघात होगा नहीं सतर्क कराला पाणीपा केन्द्र बढ़ुची कोरोना चिंता दिनकू दिन संक्रमण संख्या बढ़िबार लगी ओडिशा रे 3 जन आक्रांत मध्य यूके स्ट्रेन चिन्हट हो तबे देश में कोरोनार नुआ स्ट्रेन 771 मामला चिन्हट हो 736 केस यूके स्ट्रेन रही 34 केस दक्षिण आफ्रिका स्ट्रेन बोली जमापड़ा बेले गोटे मामला ब्राजिल स्ट्रेन रही पंजाब यूके स्ट्रेन सर्वाधिक 336 मामला चिन्हट हो महाराष्ट्र में 56 यूके 5 दक्षिण आफ्रिका एवं गोटे ब्राजिल स्ट्रेन चिन्हट हो कोरोना पूर्व भली आउ थे कटकणा कड़ाकड़ी कर राज्य सरकार खासकर राजधानी में जोरदार हेब चढ़ाऊ एनफोर्समेंट बीएमसी को मिली अधिक फोर्स आज भुवनेश्वर समस्त शिक्षानुष्ठान हॉस्टल हेब जांच कोविड सचेतन को नहीं पुणी नियोजित बीएमसी तीनोटी जोन में चढ़ाऊ में सामिल हे 6 अधिक स्क्वाड मलकानगिरी पर नवरंगपुर को फेरला नाइट कर्फ्यू आज नवरंगपुर लागू हेब नाइट कर्फ्यू राति 8 ठारु सकाळ 6टा पर्यंत लागू हेब नाइट कर्फ्यू सह अन्य कटकणा जारी करछन्ती जिलापा गहळी होतिबा धार्मिक कार्यक्रम बाहागर रिसेप्शन सब बंद बाहागर शोभायात्रा ओपेरा उपरे रोक लगाइछन्ती एथि सह राजनैतिक शोभायात्रा आंदोलन उपरे मध्य रोक लगा जायछि सबड़े राज्य में बढ़िबार लगी कोरोना संक्रमण मामला यह नजर रखी राजधानी में कड़ाकड़ी कर कटकणा भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन एवं विमान बंदर परिदर्शन कर स्क्रीनिंग एवं टेस्टिंग को अधिक तदारख कर बीएमसी कमिशनर एणिक प्रतिदिन रेलवे स्टेशन रैंडम भाव 200 लोक टेस्टिंग पूर्व जो मानक लक्षण था से ही मानकर टेस्ट करा किंतु वर्तमान बिना लक्षण में भाईरस लोक आसुंची तेणु रेड फ्लाग एवं अन्य राज्य मानकर आसुथिबा लोकंक रैंडम टेस्टिंग करा जिवो मेन इश्यू रहिला कि देयर वाज सम लेस एनफोर्समेंट जेमती हमें रेलवे स्टेशन रे डिसाइड करलु कि मिनिमम 200 लोक रैंडमली पर डे टेस्ट करा जिबे रैंडमली टेस्टिंग वाज नॉट अर्लियर इन आवर प्रोविजंस जे माने स्क्रीनिंग रे जहर किछि सिम्पटम्स थिला हमें ताहाकु टेस्ट करैथिलु बट आम रिसेंटली देखलु कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो माने एसिम्प्टोमेटिक है किंतु वायरस को कैरी करूँ सो जो रेड फ्लैग स्टेट्स अच्छा से आसी लोगों को हमें रैंडमली भी किसी टेस्ट करू एटलिस्ट 200 एट द रेलवे स्टेशन टेस्टिंग हम प्लस एमती ही किसी टेस्टिंग प्रोविजन आम एयरपोर्ट भी करने गवर्नमेंट को प्रपोजल देचु एंड मे बी टुडे आर डे आफ्टर टुमारो दैट वी विल गेट द प्रपोजल एंड एटी भी हमें अधिक नंबर ऑफ टीम जेमती मैक्सिमम लोगों को मेटी टेस्ट करी पर भी तहर पई अरेंजमेंट करू छु
कटक रे धीरे धीरे कायम लाउछि कोरोना, विशेषकर सहर रे लगातार भावे गोटे सप्ताह धरी कोरोना संक्रमण दुई अंक छुईंता बेले एही क्रम को संक्रमण एवं प्रशासन को चिंतार बढ़ाई देछि। तेबे बुधवार रात सुधा मिलुथिबा सूचना मुताबक जिले में पुणी 17 जन नुआ कोरोना संक्रमित चिन्हट होछन्ते, सेमानक मध्यरु केवल कटक सहर 10 जन अछन्ति। तेबे एथि सहित रेवेन्सा विश्वविद्यालय को मध्य संक्रमण व्यापिछि। सहररु चिन्हट होइतिबा 10 जन आक्रांतक मध्यरे रेवेन्सा विश्वविद्यालय दुई जन छात्री रहिछन्ति। दुई जन जाको छात्री विश्वविद्यालय छात्री निवास रहुथिबार सेमानक कांटेक्ट ट्रेसिंग आरंभ होइछि। सेबटे विश्वविद्यालय कोरोना संक्रमण व्यापिबा आशंका करि गुरुवार दिन हेबाकु थिबा समस्त यूजी एवं पीजी परीक्षा को अनिर्दिष्ट काल पर्यंत बातिल करछन्ते विश्वविद्यालय कर्तृपक्ष। एते सहित परवर्ती परीक्षा गुड़िक बाबद निष्पत्ति ग्रहण करबा पई गुरुवार दिन एक उच्चस्तरीय बैठक डाकछन्ते विश्वविद्यालय कर्तृपक्ष। आसंता 31 तारीख पर्यंत यूजी एवं पीजी परीक्षा गुड़िक अनुष्ठित हेबाकु थिबा बेले एही परीक्षा उपरे एबे आशंकर बादल घटी जाइछि। तेबे पाखापाखि 1500 छात्र छात्री एही परीक्षा देबार थिला बोली जहा सूचना रहिछे। आसवा परवर्त खबर को विधायक मानिले कब्जारे थाना। तेज विधानसभा व्योमकेश कहिले व्यवहार शिखात ना मु पीएचडी पढ़ी तेज क्यों पीएचडी असल पाठ ताकू नहीं उठे प्रश्न। विधानसभा निज पक्ष रखा जा अड़ुआ पड़ जाइंट बिजेडी विधायक व्योमकेश राय एसआई को असल भाषा गाड़ी कर बदली धमक देते बापे विधानसभा सफे चर्चा मानिगले बिजेडी कब्जारे थाना। थाना एसआई को धमक ओडियो तांकर एसआई को अश्लील भाषा गाली करी बदली धमक देइथिले बापी। बिजेडी पावरफुल विधायक व्योमकेश राय पुणी विवाद रे आज विधानसभा भाइराल ऑडियो प्रसंग रे निज पक्ष रखा जाई अड़ुआ पड़ जाइछंती व्योमकेश राय कहिछंती सी पीएचडी करिछंती आउ तांकु व्यवहार शिखातु नाही विरोधी दल नेता ता सहित तो ए ऑडियो लोकंकु विभ्रांत करबा पई करा जायछि। एबे व्योमकेश राय को प्रश्न नंबर 1 कब्जारे थाना काले डीजी पकड़ बसि त बुल्ले की फोटा दे करे विधानसभा रे व्योमकेश राय को उत्तर स्पष्ट करूछि ए ऑडियो तांकर पुलिस बाबू को बदली रो धमकी एया दर्शौ नाही कि पुलिस एबे शासक दल रो कब्जारे मंत्री विधायक पोस्टिंग करिवे आ सेमाने भी ट्रांसफर करिवे। प्रश्न नंबर 2 केउ पीएचडी रे अछि अश्लील भाषा करिवु बुझले नै लॉ सबले लॉ ता बाटरे जीव केउ पीएचडी रे अश्लील भाषा रो शिक्षा दिया जाय केउ विश्वविद्यालय रो ए शिक्षा नै छंती चांदवाली बिजेडी विधायक व्योमकेश राय। प्रश्न नंबर 3 एजेंट साजले नै बोली कि तमे जानिछ एठी पॉलिटिकल प्रॉब्लम कोठ कोन होछ बुझले नै। हां सर तमे तक जानिछ कि एग्रेवेट अभिया करछ काहे कि ए कथा कहउछंती व्योमकेश पॉलिटिकल प्रॉब्लम को आग्रोवेट करुछर अर्थ कोन दलियो काम कलेनी कि तुम एजेंट साजलेनी बोली ये धमकी नुहे तो। प्रश्न नंबर 4 रेकॉर्डिंग होउछि कि बुझन तुम रेकॉर्डिंग होछि कि तुम मोबाइल ले नाही सर मोर नाही रेकॉर्डिंग। प्रथमे गुरु बाबू को व्योमकेश राय पचारिले रेकॉर्डिंग होउछि कि आ तापरे आरंभ कले अश्लील भाषा रे गाली क्रोध अर्थात विधायकंकर इंटेंशन ही थिला खराब लोकंक पाई नुहे निज स्वार्थ पाई पुलिस बाबू को गाली ग्लोज कले। प्रश्न नंबर 5 किए देला अधिकार गोटे एरिया आसी मोटू कोरापुट रो। हां सर सेठी पोस्टिंग करे दे केउ अधिकार रे जने पुलिस कर्मचारी को व्योमकेश राय कहउछंती मोटू बदली करे देबी डीजी को पाखरे बसी मोड़ी की फोपाड़ी देबी आज गाली कलो काली जाई माड़ मारिबो आ कहिबो मु लोकंक पाई कली। विधानसभा रे ई प्रश्न उठाइथिले विरोधी दल नेता प्रदीप्त नायक। सोशल मीडिया रे जो कथा प्रचार होची साधारण जने एएसआई को जने निर्वाचित प्रतिनिधि जो भाव में डराउंट जी तुम्हें जदि आम कथार रही ना तुमको ताल मोटू को आम पठेदेबू ये भाव में कम से कम साधारण लोक हरिजन आदिवासी लोक कौन से भी निर्वाचित प्रतिनिधि न डरातु एवं जो साधारण लोकटा कहला दम्र सहित कहला धन्यवाद दूची ये से कहला मत जोटी पठेल मोर किसी असुविधा ना कारण भूल न करथिबा कारण से दम देखी कहला आपन जोठी मते पठांतो कोनोसी असुविधा नै डीजी पाखरे बसी कि करै देबि ए कथाटा रे कोनोसी ऑफिसर भय करबा उचित नै जदी विधायक अछन से एएसआई भूल कला तांकर 5T सरकार रे को ट्रांसपेरेंसी जागा रे कंप्लेंट करिथांते ता विरुद्ध कार्यानुष्ठान ग्रहण करिथांते आज कथा उठिछि से साधारण एएसआई कोनोसी जागा रे हैरान हरकत हेबा कथा नुहे ए 115 बळ रे
विधायक मानकर एवं ऑफिसर मानकर मध्य आचरण व्यवहार कथाबार्ता ठीक रहबा उचित। ये गणतंत्र राष्ट्र, ये गणतंत्र राष्ट्र रे लोकप्रतिनिधि सरकारी कर्मचारी उभयंकर कथाबार्ता ठीक हवा दरकार, आचरण व्यवहार ठीक हवा दरकार। सेपटे बांसड़ा थाना जन कर्तव्यरत पुलिस एसआई को चांदवाली विधायकों धमक प्रतिवाद रे बीजेपी पक्षर चांदवाली तहसील आगे प्रतिवाद कर विधायक व्योमकेश राय कुश पतुलिका दाह कर भद्रक बीजेपी व्योमकेश राय विरोध में कार्यानुष्ठान दावी कर सरकारी दल दादागिरी मुख्यमंत्री पाखे दाबी रखु जिते शीघ्र चांदवाल विधायक को बरखास्त एवं जिला राज्य आईन श्रृंखला ठीक भाव चालू से दिगरे मुख्यमंत्री दृष्टि दिंतु नगामी दिन में भारतीय जनता पार्टी भद्रक जिले में निश्चित आंदोलन को ओल्ल से जो भाई भाव में धमक दौंती बदली करे भयभीत करें नापसंद करुचु राजनैतिक दल हिसाब से कौन सी सरकारी लोक प्रतिनिधि जी कि दायित्व नहीं लोक मान जीवन आउ धन जीवन सुरक्षा करने सी जदि यही भाव गुंडागिरी और दादागिरी करे आमे विरोध करुचु एवं आमे लोक मान जन चाहूँ से सांविधानिक नियम को निश्चित भाव अपव्यवहार कर क्षमता को अपव्यवहार कर आज तार कुश पुतलिका दाह करुची एवं राज्यपाल उद्देश्य गिरफदारी तुरंत 353 धारे तुरंत गिरफदारी कराऊँ विधायक सदस्यता पद को तुरंत रद्द करा जाउ। हम विधायक होती असोसीआल व्यक्ति ब्रद सहित संश्लिष्ट आंब गचर के अंगूर फल ना तेणु आज चांदवाल विधायक कोईला चोरी मद चोरी छतुआ चोरी सब प्रकार असामा चोरी संपृक्त थी संगे संगे सब प्रकार असामाजिक कार्य संश्लिष्ट अच्छी एवं चांदवाल विधायक कार्यरत जड़े एस आई को प्रति जो धरण दुर्व्यवहार करागला आकु भारतीय जनता पार्टी तीव्र भाव में दृढ़ भाव में निंदा करुची। तेबे बड़ प्रश्न भद्रक पुलिस एसपी ए ऑडियो सुनिछंति कि नाही तांको कर्मचारी को धमक देउतबा विधायकों विरोध में कार्यानुष्ठान पदक्षेप नेबे तो ना निज कर्मचारी हाथ छाड़ी विधायकों साथ देबा कारण थाना एवं शासक दल कब्जा अच्छी। भद्रकु दीप्तिरंजन साहू चांदवाली भाग्यवती सेठी भुवनेश्वर दिव्यज्योति महांती रिपोर्ट अर्गस न्यूज। सीमा भूली गले प्रमिला मल्लिक व्योमकेश बयान को छोट कथा कही विवाद रे शासक दल मुख्य सचेतक प्रमिला मल्लिक अजथार बीजेपी प्रसंग को तेजुवा से कहते पूर्व परिप्रसंग को छोट कथा कही विवाद को आसते सौम्य पट्टनायक एवं सौम्य मापिचुपि कथ कहता बेले सीमा टपिंट प्रमिला यहाँ गोटे छोटिया कथा कौटी एम एल मैंने अफिसर सारे कौन कथा है से कथा को लेकिन गृह छोटिया कथा उपस्थापन करा मो मत उचित पुलिस बाबू को धमका विधायक है सरकारी दल मुख्य सचेतक कहते छोट घटना यहाँ गोटे छोटिया कथा यहाँ गोटे छोटिया कथा से कथा को लेकिन गृह छोटिया कथा उपस्थापन करा मो मत उचित शासक दल विधायक जने एसआई को बुलाई फिंगी देवा को दौंती धमक हेले सरकारी दल मुख्य सचेतक प्रमिला मल्लिक कहते गोटे छोट घटना परी मामला को छोट घटना कही पूर्व बीजेडी विधायक सौम्यरंजन पट्टनायक विवाद में फसी बेले एवं चांदवाली भाइराल ऑडियो घटना रे प्रमिला मल्लिक विवादीय बयान सृष्टि कर शुणु जड़े एसआई को किपर भाषा में गाड़ ग्लोज कर चांदवाली विधायक व्योमकेश राय आमती छोट घटना बोली कहते प्रमिला मल्लिक गोटे एरिया अच्छी मोटू कोरापुट हाँ सर सेठी पोस्टिंग कर देबी हाँ सर कर दो पळे डीजी पाकर बसी तो बुले ही पपाड देबी पड़े ना सर कर दो मु वेलकम सर वेलकम एटा गोटे छोटिया कथा कोठी एमएल माने ऑफिसर सारे कोन कथा हैले सेई कथा को नै कि गृह रे आनी कि एक छोटिया कथा उपस्थापन करे मो मतरे उचित संजमता होराउ छंती शासक दर विधायक
ସଂଖ୍ୟା ବଳରେ ଧରାକୁ ସରା ମାରୁନାହାନ୍ତି ବିଧାୟକ, ତେଣୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି। ଆଉ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଏମିତି କେତେ କଥା ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। କଥାଟା ଉଠାଇଲେ ଆପଣ ଟିଭି, ରେଡ଼ିଓ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରଚାର ହେଉଛି, ସାଧାରଣ ଜଣେ ଏଏସ୍ଆଇକୁ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡରଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯଦି ଆମ କଥାରେ ରହିବ ନାହିଁ ତୁମକୁ ତାହେଲେ ମୋଟୁକୁ ଆମେ ପଠାଇଦେବୁ, ଏଭଳି ଭାବରେ କମ୍ସେ କମ୍ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ, ହରିଜନ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ନ ଡରାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର 115 ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଲୋକ ଆମେ ଡିଜି ପାଖରେ ବସି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେବୁ, ଏଭଳି ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କଲେ ଠିକ ହେବ କି? ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ଏବଂ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଚରଣ, ବ୍ୟବହାର, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ ରହିବା ଉଚିତ। ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଉଭୟଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର, ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର। କଥା କହିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ଭାଇରାଲ ତ ବହୁତ କଥା ହେଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ ମତେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ମୁଁ ଉଚିତ ମନେ କରୁନାହିଁ, ଯେହେତୁ ବିଧାନସଭାରେ ଏଇଟା ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ଉଭୟ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଆପଣ ପଚାରିଲେ ସୁନ୍ଦର ହେବ, ତେଣୁ କ'ଣଟା ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ସାନ୍ଦ୍ୱାଲୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ, ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଧମକ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଡ଼ିଓଟି ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଯାହା କହିବାକୁ କହିଥିଲି ତାକୁ କାଣ୍ଟ ଛାଟ କରିକି ଏଥିରେ ଏଇ ଭାଇରାଲ ଅଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ମାନେ କହିଥିଲି ଜୈନିକ ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ଯେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କର ନାହିଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସାପତ୍ର ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କର ନାହିଁ, ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକପାଖିଆ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରଖୁଛ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ହାରାସ କରୁଛ ସେଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କର। ନିଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଏସ୍ପି ଓ ପୋଲିସ ଡିଜିପି? କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତଲା ଦାୟର ହେଉନାହିଁ? ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କର ଏଭଳି ଅସଭ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଗ୍ରହଣୀୟ କି? ଜଣେ ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ପୋଲିସର ଏପରି ଧମକ ପୋଲିସର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗୁନାହିଁ କି? ମୋଟୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରୁଥିବା ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ବିଧାୟକଙ୍କ ଏପରି ବୟାନ ସେମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ ତ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ 10 ବର୍ଷରେ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି 184 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିପାରିନି ବନ ବିଭାଗ। ଶିମିଳିପାଳ ନିଆଁ ଆୟତ ହୋଇପାରିନଥିବା ବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ଯାଜପୁରରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ସେପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନି, କାମ୍ପା ଫଣ୍ଡରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗର ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଦୁର୍ନୀତି ଲୁଚାଇବାକୁ ନିଆଁକୁ ସରକାର ଆୟୁଧ କରୁଥିବା ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଜଳୁଛି ଜଙ୍ଗଲ, ତେଜୁଛି ରାଜନୀତି। ସରକାରଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଲିଭା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଜଙ୍ଗଲରୁ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗତ 10 ବର୍ଷରେ  184 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଓ କାମ୍ପା ପାଣ୍ଠିରୁ ଏହି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଗତ 5 ବର୍ଷରେ 100,000+ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଫେବୃଆରୀ 2021ଠାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 23,473 ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ 168.93 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ରାଜ୍ୟର ମୋଟ 19 ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଜାନୁଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3,824 ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଜଙ୍ଗଲ ଏବେ ବି ଜଳୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେଉଁ ବାଟରେ 184 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡାଳରେ ପିଟିକି ନିଆଁ ଲିଭାଇଲୁ ସେତେବେଳେ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଡାଳରେ ନିଭାଉଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଆଁ ଲିଭା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବାକୁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଉଁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ମେସିନ୍ ଆସୁଛି ଏବଂ SOP ଜାରି ହେଉଛି, ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରକୃତରେ ଜିରୋ ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ। ବା ଫଣ୍ଡକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଭୟ ପାଠକ ଭଳିଆ କେତେ ଅଭୟ ପାଠକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଟଙ୍କାକୁ ହରିଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଖୋଳତାଳ ନ କରିକିରି କିଏ ତାଙ୍କର ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ଜଳିଲା ତାଠୁ ବେଶୀ ଫେସବୁକରେ ଜଳିଲା। ବାସ୍ତବରେ ସରକାର ଯେଉଁଦିନଠୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ
बैठक द्वारा त्वरित कार्यानुष्ठान ग्रहण करागला। पीसीसीएफ निजे गले डीएफओ मानकु एक्टिव करागला। ऑनलाइन रो व्यवस्था हला, हजारे पचास जन कर्मचारी सेट कु गले, ओड्राफ टीम गला एवं समस्त रकम कार्यक्रम ग्रहण करागला एवं भगवान को आशीर्वाद कारण पुणी वर्षा भी हला, सेतिपई जंगल निया वर्तमान सरी जाइछि। एपटे थमुनी सिमिलीपाल निया सैटेलाइट रिपोर्ट अनुजाई सिमिलीपाल 31 टी स्थान रे लागछि निया। दक्षिण सिमिलीपाल रे 7 टी स्थान रे निया लागिथिया बळे उत्तर सिमिलीपाल रे 24 टी स्थान रे निया लागिछि। आउ किछि स्थान रे एबे भी जंगल जळुछि। केवल सिमिलीपाल नुहे, खोर्धा वनखंड टांगी रेंजर रामेश्वर संरक्षित जंगल भी जळुछि। नियार आंकु चलीगलाणी शह शह एकर अधिक जंगल। किछि दिन हेब जंगल जळुथिले भी ना वन विभाग ना अग्निशम विभाग कहार भी देखा नाही। जाजपुर रोड ब्यास सरोवर काजू जंगल रे केही दुर्वृत्त निया लगाई देथिबा अभियोग होईछि। जंगल निया कुने साधारण रे उद्वेग प्रकाश पाइछि। जंगल ये रामेश्वर जंगल आम खबर पाइलु सांगे सांगे आम आसिक निया को आम 10 जन स्टाफ आमर फॉरेस्ट भाई मानकर आ पब्लिक को सहायता रे निटाकु जळुथला ताको आम सांगे सांगे पानी पके बाड़े की आमे ताको नियाटा को सांगे लिभे देछु। आमर 8 एकर खंड निया लगे जंगल फायर रामेश्वर जंगल डिपेप रे आमर गाँव लोक सहयोग करथिवर एवं आमर अग्निशम विभाग सहयोग करथिवर आम फायर स्क्वाड मान आम डिपार्टमेंट तरफ सबुठ बड़ प्रश्न अवहेला ना जाशु जंगल जलवाक छाड़ राज्य सरकार जंगल दुर्नीति लुचाइवा निया ढाल नुहे तो जंगल निया रोकवाक वन विभाग सचेतनता कहीं कम करूनी। करंजियारु बिंदुसार दास, खोर्धारु विक्रम साहू, कुरेरु संतोष साहू का सह भुवनेश्वर दिव्यज्योति महांती रिपोर्ट अर्गस न्यूज। तातिरु नाही निस्तार। आसंता सप्ताह जाए राज्य में बढ़ खरार प्रकोप। गत काली ओडिशार किछि जिले में हालुकरु मध्यम धरणर वर्षा होता बेले अवशिष्ट ओडिशार पाग सुखिला रही है। आगक राज्य में पाग सुखिला रलर तापमात्रा बढ़े आसंता सप्ताह पर्यंत तातिर मुक्ति ना आंचलिक पापाग विज्ञान केन्द्र पक्ष एतेसह किसी स्थान में तापमात्रा 1-2 डिग्री पर्यंत वृद्धि पाईपे समय अंशुघात होने सतर्क करणिपाग केन्द्र। समस्त छिब्रुन रखा अधिक आप भिजिट करें वेबसाइट अर्गस न्यूज। नमस्कार।